ग्रेटर नोएडा ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर ट्रक और पिकअप के बीच हुई जोरदार भिड़ंत में एक ही मौत हो गई है, जबकि दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को नजदीकी के अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया, जहां उनका अभी उपचार चल रहा है। वहीं दोनों खराब वाहनों को एक एक्सप्रेसवे से हटा दिया गया है। यातायात को सुचारू रूप से चालू रखा जा रहा है और दोबारा कोई हादसा ना हो सके, लेकिन देखने वाली बात यह है कि तेज रफ्तार के चलते लगातार हादसों की संख्या बढ़ रही है। बता दें कि ग्रेटर नोएडा दादरी कोतवाली क्षेत्र के ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार का कहर एक बार फिर से सामने आया, जहां तेज रफ्तार ट्रक और पिकअप की टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि हादसे के बाद ट्रक पलटी खाते हुए पलट गया, जिसमें मौके पर ही एक की मौत हो गई है, जबकि दो लोग गंभीर रूप से घायल हैं। वहीं वहां से गुजर रहे लोगों ने इनकी सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका उपचार चल रहा है। वहीं मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। बता दें कि लगातार हादसों को रोकने में प्रशासन लगातार नाकाम साबित होता नजर आ रहा है। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए नोएडा से अमर सैनी की रिपोर्ट।